नमस्कार मेरे दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट से प्रॉफिट होता है या फिर नहीं, ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है या फिर नहीं। तो मैं आज उनको बता देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट के प्रॉफिट से मैं लेकर आया हूँ अपने लिए एक नया फ़ोन। जो मैंने ट्रेडिंग की थी, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से मैंने ये फ़ोन लिया है। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये फ़ोन लेते लेते तो मेरी ऐसी तैसी हो गई, बत्ती बन गई थी पूरी। ऑनलाइन में मंगा रहा था, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा लेट, तो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया इसको, ऑफलाइन मंगाया। और ऑफलाइन भी बड़े मुश्किल से मुझे मिला। और ये रहा, ये है मोटो का। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ जानकारी भी दूंगा, जिससे आप शेयर मार्केट में आगे ही बढ़ सकते हो, ग्रो भी हो सकते हो। तो आज की वीडियो को देखिएगा। देखिए, जो ये फ़ोन है, वैसे मैंने इसको एक बार अनबॉक्स करके वहाँ पे देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट है। मैं इस फ़ोन को नॉर्मल अनबॉक्सिंग नहीं, ऐसी कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कोई अनबॉक्सिंग करने में। तो इसमें मुझे मिला है एक केस कवर, जो कि मुझे इसका जो कवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ये प्रीमियम टाइप का, ये वाह, मुलायम भी है काफ़ी। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, इसको फिर देखेंगे, ये है मेरे पास, जो कि है ये चमकता धमकता फ़ोन, थोड़ा बहुत चमक रहा है अभी, जिसमें अभी तक मैंने इसको, इसमें कोई टेम्पर वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और जो इसका बैक है ना, सबसे गजब की बात तो मैं आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। जो ये बैक है इसका, प्लास्टिक का पता नहीं क्या है, मतलब लेदर बैग है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ग्रिप काफ़ी अच्छी बन रही है। इसमें एक मोटो का साइन है, ये फिंगरप्रिंट नहीं है। और इसके कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का, और OIS सपोर्ट करता है ये। और इससे पहले जो ये मेरे पास फ़ोन था, इस फ़ोन से भी ज़्यादा तगड़ा फ़ोन है IQ 9SE। और इसका अंतुतु स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, इसका तो कम है, लेकिन ये मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि एक तो ये है बहुत कॉम्पैक्ट है, और दूसरा इसके फ्रंट में भी 4K स्टेबलाइजेशन वीडियो मिल जाती है बनानी, और मेरा तो काम ही वीडियो का रहता है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी की वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए ये 4K वाली फ्रंट स्टेबलाइजेशन वाली मैं ये फ़ोन लेकर आया हूँ। और ये कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन भी है। और जो मेरा ये पुराना वाला फ़ोन था, अब मैं ये इसको करूँगा रिटायरमेंट, घर में दे दूँगा, मम्मी वगैरह चलाएँगी, मम्मी और मेरा भाई, मैं भाई को दे दूँगा, भाई वाला मम्मी चलाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको बूट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अरे बूट ऑलरेडी है मैं भूल गया था। नीचे पे इसमें देखिए दोस्तों, एक USB टाइप सी है इसमें, और इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं है, स्पीकर है यहाँ पे, और यहाँ पे सिम कार्ड डालने के लिए है। इसके अलावा ऊपर पे नॉइज़ कैंसिलेशन का आपको मिल जाता है एक सेंसर। और इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें माइक वगैरह और आप वाइड एयरफोन सिर्फ ये जो टाइप सी केबल है इसी में कर सकते हो। और ये थोड़ा ये कर्व भी बहुत अच्छा है, तो ये पहला मेरा फ़ोन है जो कि ये कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन चलाऊंगा, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। देखिए, ऑन यह आपको साइड में हल्का ये दिखेगा, कर्व डिस्प्ले वाला आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया दोस्तों, तब मैंने ये लिया, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था इसके आने का। तो सबसे पहले मैं इसमें सिम टूल भी डालूंगा, और ये बाकी अब आपको इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करी हुई वीडियो मिलेगी, और मैं अब ट्रेडिंग भी इसी फ़ोन से करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके मन में भी है चाहत कि आपको भी एक नया फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या फिर कोई और आपको चीज़ के लिए अपने पैसे इकट्ठा करने हैं या पैसे बनाने हैं, तो पहले अपने आपने एक गोल सेट करने चाहिए। जैसे आप गोल सेट करोगे और छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं वो अचीव कर लोगे ना, तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होगे और काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर मार्केट सीखोगे, ट्रेडिंग सीखोगे। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिलते रहती है। इसके अलावा टाइम फॉर स्टॉक नाम का मेरा एक चैनल है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है, नहीं वॉच किया है, तो आप सिंपल इसे यूट्यूब में जाओगे, टाइम फॉर स्टॉक सर्च करोगे, तो आपको हमारा जो चैनल है टाइम फॉर स्टॉक मिल जाएगा। मैं वहां पे शेयर मार्केट के बारे में सिखाते रहता हूं चीजें, जो बिगनर्स हैं उनको भी। तो बाकी आज की वीडियो एक छोटी सी मेरी खुशी जाहिर करने वाली भी थी, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी मैंने ये अनबॉक्सिंग की है, बताया है। और हाँ, एक चीज़ तो और रह गया, इस फ़ोन में मुझे और क्या क्या चीज़ मिला है। इस फ़ोन में मुझे एक चार्जर मिला है, ये चार्जर 60, ये मोटरोला का ही है, 68 वाट का चार्जर है। और इसमें एक चीज़ और अलग है, और वो ये है कि इसमें जो ये डेटा केबल है, ये
टाइप सी टू टाइप सी है, दोनों तरफ टाइप सी है दोस्तों। नहीं तो इससे पहले टाइप ए टू टाइप सी वाला आता था, लेकिन अब ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है और टाइप सी भी सही है। आने वाले समय में ऐसी केबलें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों ये फ़ोन को लेकर के। बाकी आप बताना आपको ये मेरा नया फ़ोन मोटो एज 40 न्यू कैसा लगा। न्यू अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोई भी आपके मन में डाउट है, अगर आप चाहते हो कि शेयर मार्केट आप सीखो तो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक बाय बाय, नमस्कार।